अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, दूरी से ही मिलना होगा और कदम मिलाकर आओ पाजी, आओ आओ पाजी, पाजी अमलतास के पेड़ के नीचे, क्या बात है, चलना होगा, क्या बात है पाजी। तो ये मनोज जी के पास आ गया पाजी और कार्यकर्ता बैठे हैं इसे समझा पाजी। ये भी है, नेता कार्यकर्ता से दूर नहीं हो पाता, कार्यकर्ता नेता से दूर नहीं हो पाता। बाकी हम लोग आप लोग तो टहलते ही रहते हैं, चलो पाजी पता करते हैं क्या चक्कर है। नमस्ते मनोज जी। नमस्ते, नमस्ते प्रतीक भाई। नमस्ते। पहले तो आप लोग इनके लिए भी ताली बजाओ, कोरोना योद्धा है प्रतीक जी। क्या बात। और आप पाजी, नेता होता नेता ही है, तो अपनी बात शुरू करता, तुम्हारी बात तो बाद में होगी। नहीं प्रतीक जी, ये लोग भी कोरोना योद्धा हैं। अच्छा। इन्हीं के मार्फत हम लोग जो राशन भिजवाए हैं पूरे इस कोरोना संकट में, उसके हमारे अलग अलग क्षेत्रों के ये प्रतिनिधि हैं। वैसे कुछ पार्षद हैं, कुछ पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ जिला के पदाधिकारी। सबको सैल्यूट करता हूँ मैं, ये सब कोरोना वॉरियर्स हैं, इनको सबको सैल्यूट करते भाजी। मैंने हमेशा किया, चाहे जहाँ पहुँचा हूँ, अगर कोई ऐसा योद्धा मिला तो उसको जरूर। सर आपको बहुत बहुत सैल्यूट, आपके लिए बहुत, आपको भी, आपको भी। और अच्छा, मैं इनको अच्छा। बता रहा था जी, क्या? कि इस संकट के समय में जी दूरी से ही मिलना होगा पर कदम मिलाकर चलना होगा। अब तो आपके पास दिल्ली कमान है नहीं बीजेपी की, धक्का तो नहीं लगता जब जैसे कभी कुछ लग जाए, जैसे चला गया अपने पास कुर्सी थी और चली गई, तो ऐसा धक्का नहीं? ये तो खैर एक तीन तीन साल की प्रक्रिया है, बड़ी बड़ी चीज भी चली जाती है तो भाजपा का कार्यकर्ता कभी हिलता नहीं। पाजी हाँ, आटे से आदमी कलाकार पता थोड़ी ना देने देंगे, समंदर की गहराई जो है ये नापने ना देंगे। ये मनोज जी हैं जी। क्या बात है साहब। मनोज जी एक चीज बताइए, सही बातचीत तो चलती रहेगी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया था, मुझे मालूम है आप कार्यकर्ताओं के बीच में। मैं आश्चर्यचकित हूँ आप इधर कैसे चले आए। नहीं नहीं मैं गया नहीं उधर, आज यूपी और उधर तरफ नहीं गया, यूपी में तो काम बड़ा अच्छा चला है, ये दो इसमें दो राय नहीं। मैं हो के आया जी, इसमें मनोज जी दो राय नहीं है कि यूपी में काम बहुत बढ़िया किया उन्होंने। दिल्ली में क्या हो गया, कौन सा सांप सूंघ गया कि दिल्ली में काम नहीं हो पा रहा है? बीजेपी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर सरकार है उनकी आम आदमी पार्टी की, इधर आपकी केंद्र में, दिल्ली में क्या वजह है मनोज जी कि लोग परेशान हैं, अस्पतालों के चक्कर, वहाँ पे भी बेड ना मिलना, लोग तमाम फोन करते हैं। दिल्ली में हम लोगों ने लगभग एक सांसद ने 60,000 घरों में हमने राशन हम लोगों ने सबको दिया, लेकिन जब हमने इनसे पूछा, दिल्ली से कहा कि भाई बीजेपी आपके साथ पूरी तैयारी में खड़ा होना चाहती है, आप हमें कोई काम बताओ, पहले पूछा किचन कितने बने हैं दिल्ली में बता दो ताकि हम उसकी गुणवत्ता की जांच करते रहेंगे सातों सांसद। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हुई मुख्यमंत्री जी से जी। मुख्यमंत्री ने कहा शाम तक आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा शाम तक मिल जाएगा, आज तक वो शाम नहीं आई है किसी भी। अब तो खैर थोड़ा अनलॉक होने लगा तो खाने का दिक्कत थोड़ा 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 कम हुआ, लेकिन जो किचन चलता रहा वो सिर्फ मीडिया बाइट में चलता रहा, ग्राउंड पे कुछ नहीं रहा। और बाद में जब पूछा गया तो इस्कॉन के किचन को कहते हैं कि हमारा किचन है, कोई बात नहीं। उससे हम लोगों ने घर घर राशन दिया। हमने पूछा एक दिन इनसे कि अरविंद केजरीवाल जी आपने अभी तक कितने पैसे हॉस्पिटल के बेड पे और वेंटिलेटर पे खर्च किए, और दूसरा सवाल था कि आपने कितने पैसे विज्ञापन पे खर्च किए, अभी तक जवाब नहीं आया। परसों उनका एक जवाब आया है कि हम 2020 में 7,704 करोड़ रुपया इसमें हेल्थ सेक्टर में लगा रहे हैं। मैंने पूछा क्या क्या खरीदा, बोला 163 एम्बुलेंस खरीदे, तो ये तो कुल मिला के 25 करोड़ का हुआ, तो 7,704 करोड़ में बाकी पैसा कहाँ है? और स्थिति ये हो गई कि एक दिन में 63 लोग मरने लगे। मनोज जी आप लोगों की लड़ाई में, सच बताएं आपसे, सच ईमानदारी से कह रहे हैं, आप दोनों की लड़ाई में इतना हाल बेहाल है, इतना परेशानी है कि आदमी जो है इस समय फ़ोन करता है। आप ही आइए, कार्यकर्ता बैठे हैं आपके पास, ये बैठे कॉर्पोरेटर बैठे, इनसे ईमानदारी से पूछिए कितने फ़ोन आते होंगे इनके पास। कॉर्पोरेटर भी होंगे इसमें से, कितने लोग कॉर्पोरेटर हैं साहब आप लोग? हाँ देखिए, पूछिए कितने फ़ोन आते हो, इतनी लड़ाई में इतना परेशानी है मनोज भाई, आप खुद जानते हैं इस बात को, क्यों नहीं ये सॉल्व होता? नहीं नहीं मैं तो यही कह रहा हूँ
कि हमने तो एमसीडी के, ये हमारे हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं जी सर, हमने कहा कि आप सारे हॉस्पिटल ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए एमसीडी के, बट कोई प्रपोजल आया आप लोगों के पास? हमने शुरू में ही, पर एमसीडी के हॉस्पिटल की हालत तो बहुत खराब है साहब। नहीं, हमने पूरा पूरा डाटा माननीय सांसद जी ने जब हमें कहा था तो हमने अपने जो हमारा लोकसभा है उसमें जितने हॉस्पिटल हैं कंप्लीट डाटा दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया था, जितने एमसीडी के हॉस्पिटल हैं जितने जितने बेड हैं कंप्लीट डाटा हमने पहले ही कहा था कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली गवर्नमेंट साथ एमसीडी काम करने के लिए तैयार है अगर आप चाहें तो। कोई किसकी परेशानी थी, कौन परेशान कर रहा है? लिया ही नहीं, बात परेशानी की नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहिए, उन्होंने लेने चाहिए थे, उन्होंने लिए ही नहीं आज तक। मनोज भाई ये बताइए अब कैसे हो, क्योंकि दिल्ली के जो आंकड़े हैं, आप तो मुंबई में भी रहे हैं, अब दिल्ली के आंकड़े वहीं पहुँचने वाले हैं। देखिए जिस दिन हमने पहली बार आवाज़ उठाया कि आप मौत के आंकड़े क्यों छुपा रहे हो, कोरोना में तो सबसे बड़ा इलाज डर है ना, हमने कहा कि आप घर से मत निकलो, तो अगर हमारे एमसीडी के पास श्मशान है कब्रिस्तान है, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ अभी तक कोरोना पेशेंट 6000 अंतिम क्रिया किए जा चुके हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं जी हम केवल अभी तक 2500 को मानते हैं, तो 6000 को 2500 बोलने से वो जिंदा तो नहीं होंगे, लेकिन जो एक लोगों में सावधानी होनी चाहिए 6000 सुनने के बाद, वो 2500 सुनने से उनको लगेगा कि यार ठीक है कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। ये अनसीरियस क्यों किया, क्या वजह क्या थी? सरकार को अपनी साख बचानी थी। उन्होंने कहा कि वो स्थितियां आपको मालूम थी, सारी कंट्रोल में थी, हो जाती, लेकिन आपने उन स्थितियों का मूल्यांकन नहीं। हमने भाई साहब, हम तो सरकार में नहीं, हम तो विपक्ष में है ना, विपक्ष में थे लेकिन केंद्र में थे, यहाँ दिल्ली का स्टेटस आपको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है स्टेटस केंद्र ने। आप देखिए स्टेटस आपको मालूम नहीं है, केंद्र ने दिल्ली के लोगों को डायरेक्टली 690 करोड़ रुपया उज्ज्वला गैस कनेक्शन को दी, जनधन अकाउंट को दिया। 836 करोड़ रुपया उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन को सीधे उनके खाते में दिया संकट में। 242 करोड़ रुपया दिव्यांग जन, सीनियर सिटीजन, विधवा पेंशन इनको दिया। तो मनोज भाई बताइए,